हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना व्लॉग भी इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का भी समय हो रहा है, 7:45 आपको घड़ी में दिख भी रहा होगा। और बस किचन के अब काम निपटाने के लिए किचन में मैं आ गई हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं इस राशन में से मैं यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और जैसे कि घी का पैकेट मैंने ओपन कर लिया, अभी इसको फिल करके रखना है। और ऑलिव ऑयल मंगवाती हूँ, मैं दिखा देती हूँ। ये वाला ऑलिव ऑयल ना रिसेंटली मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो वैसे तो जितना हो सकता है सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं ना जिसमें आप सरसों का तेल यूज़ नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए ये वाला ऑलिव ऑयल ये यूज़ करती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी मैंने यूज़ कर ली हैं, जो बचा हुआ सामान है वो दिखा रही हूँ। इसको लगभग 3 दिन हो चुके हैं आए हुए सामान को, तो इसमें से सामान था यूज़ का मैं निकालती गई, यूज़ करती गई, तो पता नहीं कहाँ कहाँ हो गया। वो जो है यहाँ पे वही दिखा देती हूँ। राजमा है सबसे पहले तो, और मखाने के ढेर सारे पैकेट्स, 3 तो ये रहे और बाकी ये 2 आधे आधे। एक्चुअली मखाने ना काफ़ी यूज हो जाते हैं स्नैक्स के तौर पे। ज़्यादातर ना मैंने दालें मंगवाई हैं, सारी की सारी दालें समझिए लगभग स्टॉक में ख़त्म हो गई थी। एक अरहर की दाल थी बस, और सब ख़त्म हो गई थी। तो बट मैंने मंगाया तो अरहर भी मंगा लिया है, तो यहाँ पे मूंग मसूर, धुली हुई मसूर, छिलके वाली मसूर, उड़द छिलके वाली, और धुली उड़द की दाल होती है ना इडली वगैरह के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वो ये सारी दालें मैंने मंगाई हैं। साथ ही थोड़े बहुत मसाले, उस दिन जो मैं लिख रही थी लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ लिख रही थी मैं, राशन और स्पाइस वगैरह लिख रही थी, तो जीरा हो गया, सूखी मिर्च ख़त्म थी, लौंग इलायची, ये सारी चीज़ें सारी ऑर्डर करी हैं। और विनेगर मुझे सफाई के लिए चाहिए रहता है, तो विनेगर भी मैंने ऑर्डर किया है। चलिए फटाफट इन सबको फिल कर देते हैं ताकि ये खलेरा सारा चला जाए अंदर, क्योंकि 2-3 दिन से ये ऐसे ही ये बैग्स में ना किचन में साइड में रखे हुए थे। और ये जो बैग वाली पिंस आती है ना, ये एक मस्ट हैव चीज़ है, आपके किचन में होनी ही चाहिए। बिल्कुल टेंशन ही ख़त्म हो गई है, ये जो खुले हुए लिफाफे होते हैं ना, खुले हुए पैकेट्स, इनकी बिल्कुल टेंशन ख़त्म हो गई है। नहीं तो क्या होता था, कई बार ये इधर उधर स्पिल हो जाते हैं, हमेशा आपको लगा रहता है कि इनको डिब्बे में अच्छे से भर के रखो। बाय द वे आपने देखा होगा मैंने दाल रखा है फ्रीज़र में, तो ये चने की दाल है। चने की दाल घर में थोड़ा कम यूज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब आ गई है, पैकेट ही पैकेट मंगाऊंगी और एकदम छोटा छोटा तो कम कम तो मंगा नहीं सकती। तो जो बची हुई है वो मैंने फ्रीज़र में डाल दी, क्योंकि सबसे जल्दी जो दाल ख़राब होती है वो चने की है, उसमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, अंदर से खोखली सी होने लगती है, तो इसीलिए बची हुई डाल दी है, और बाकी फिर हम जल्दी जल्दी यूज़ कर लेंगे। और जो भी थोड़े बहुत मसाले वगैरह थे वो सब सेट करके मैं रख रही हूँ। और लास्ट में बचा है ये हमारा गोविंद भोग राइस का एक बैग, मैंने 1 kg का मंगवाया था। ये आई थिंक मैंने 10 दिन पहले मंगवाया था, 2 बैग मंगवाए थे, एक मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था और एक मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था ट्राई करने के लिए। फ़िलहाल मैं ये वाला खोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं है ब्लिंकिट वाला है या अमेज़ॉन वाला है।
गोविंद भोग राइस ना मैंने कभी ट्राई नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम है कि मैंने इसको मंगाया है। काफ़ी सुन रही थी कि बड़ा अच्छा होता है, बड़ी अच्छी खुशबू होती है, तो मंगाया है मैंने। देखते हैं, आज मैं इसको बनाने जा रही हूँ। कुछ ज़्यादा ऐसे हैवी बनाने का मन नहीं था, खिचड़ी बनाने का मन था सिंपल वाली। तो बस ये गोविंद भोग राइस और अरहर की दाल में मैंने ये सिंपल येलो खिचड़ी बनाई है, जिसके अंदर मैंने हल्दी, नमक और 1 चम्मच बॉईल करते हुए घी डाला था, और कुछ भी नहीं, इवन छौंका भी मैं इसमें नहीं दे रही हूँ। आज एकदम सिंपल प्लेन ऐसी ही खिचड़ी खाने का मन था, और साथ में पापड़ किए थे मैंने। और यहाँ पे देखिए कितनी जल्दी व्लॉग आगे निकल गया ना, हम लोग डिनर भी कर चुके हैं खिचड़ी का, मैंने किचन भी सारा साफ़ कर दिया है। तो रात को साफ़ करते हुए मैंने वहाँ की क्लिप्स नहीं ली, लेकिन सारे बर्तन मांज दिए, डिशवाशर में लगा दिए और क्लीनिंग कर दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग तो हमारी बहुत सुबह ही हो गई थी, लेकिन थोड़ा लेट व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। चाय बन रही है अभी, और जो रात बर्तन धोए थे वो सब मैंने ऐसे रखे हैं, मतलब इनको ड्रॉर्स में सेटल कर रही हूँ, और जो अभी काम है उनको ऊपर रखा है मैंने। और आज ना बहुत अच्छी सी एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मिक्स वेज की है, मलाई मिक्स वेज, तो वो बनाऊँगी। कुछ बहुत तैयारी हो रखी है, जैसे गोभी अभी कट रखी है, बाकी और चीज़ें मैं अभी थोड़ा सा कर लूँ, पहले चाय पी लेते हैं। सुबह सिद्धार्थ वैसे सिर्फ एक एग खा के जाता है, कभी मन होता तो बनाना खा लिया, या कभी मन हुआ तो दूध पी लिया उसके साथ, तो उसका मुझे कुछ नहीं बनाना होता है। एग जो है उसके पापा ही चढ़ा देते हैं मॉर्निंग में, तो वो दोनों लोग एग खा के चले जाते हैं उसकी एकेडमी के लिए। बट आज ना वो एकेडमी गया नहीं है, तो फिर आज वो सारा कुछ नहीं था, थोड़ा हम धीरे धीरे ही थे, नहीं तो फटाफट सुबह उठते ही उसको लेकर के निकल जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर जो रेसिपी मैं आपसे बता रही थी ना, मलाई मिक्स वेज, ये बनाने जा रही हूँ। तो मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहला जो मैंने काम किया है वो सारी सब्जियों को फ्राई करने का, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने आलू फ्राई करके निकाल लिए हैं, उसके बाद फिर मैंने बीन्स और गाजर एक साथ डाली है, ये लगभग एक ही टाइम में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं दोनों चीज़ें, तो उनको एक साथ मैंने डाल दिया है। बाकी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी सब्जियाँ हैं जो हम अलग अलग फ्राई करेंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगी, जब भी कुछ ऐसी रेसिपी आप बना रहे हो जिसमें काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं, मतलब काफ़ी सारी भी नहीं कहूँगी, अगर 2-3 सब्जियाँ भी हैं, तो आप एक ही साथ कढ़ाई में ज़्यादा सा तेल ऐड ना कर दो, क्योंकि कुछ सब्जियाँ सारा तेल पी लेती हैं और कुछ नहीं पीती हैं। तो इसीलिए हर बार जब आप सब्ज़ी डाल रहे हो उससे पहले थोड़ा थोड़ा तेल ऐड करके और उसमें फ्राई करो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, एक्सेस तेल नहीं होता है आपकी सब्ज़ी में। तो मैं हर बार थोड़ा थोड़ा तेल ऐड करके फिर उसमें सब्जियां ऐड कर रही हूँ, एकदम से मैंने सारा यूज़ नहीं किया। जैसे ये गोभी है ना, ये सारा तेल पी जाती है, देखो कढ़ाई में कुछ भी नहीं बचा। वहीं पे मटर और जो हमने बीन्स डाला, मटर नहीं सॉरी, बीन्स और गाजर डाली थी ना, उन्होंने बिल्कुल भी तेल नहीं पिया। आलू भी थोड़ा कम ही तेल पीता है, तो इसीलिए अलग अलग सब्ज़ी के लिए थोड़ा अलग अलग तेल डालो। और लोहे की कढ़ाई यूज़ करेंगे तो कुछ भी जलेगा चिपकेगा नहीं। तो आपने यहाँ देखा गोभी में मैंने फ्राई करके निकाली, उसके बाद फिर यहाँ पर शिमला मिर्च मैंने ली है, अगर आपके पास रेड कलर की भी हो तो वो भी ऐड कर लो, मेरे पास येलो और ग्रीन थी तो वो ऐड की है। साथ ही मैंने इसमें खड़ा प्याज लिया है, जो एज अ मेन इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो तीन आप देख रहे हैं, ये जो हरा प्याज होता है उसके ऊपर का मैंने वाइट पोर्शन निकाल लिया है, साथ ही एक ऐसे ही पूरा प्याज लिया था मैंने। और इस टाइम पर हस्बैंड थोड़ा किचन में चक्कर लगाते हुए आए, तो उन्होंने कहा प्याज इतना कम क्यों डाला है, उन्हें प्याज बहुत पसंद है, ये वाला जो हम मतलब ग्रेवी में नहीं जो ऐसे खड़े खड़े यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने एक बड़ा सा प्याज लिया और उसके 4 टुकड़े करके वो भी डाल दिए, उनको भी फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। फिर हमारी मशरूम की बारी आती है, तो इनको भी मैंने फ्राई कर लिया। और यहाँ पे सारा एक थाल मैंने सजा दिया है, जिसमें सब अलग अलग तरीके की सब्जियाँ हैं। तो ये मिक्स वेज बहुत यमी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। ये सिर्फ आप अपने रेगुलर घर में ही नहीं, बल्कि अपने गेस्ट मेन्यू में भी आराम से सम्मिलित इसको कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो बेस है, जो हमारा ग्रेवी का बेस है, उसके लिए मैंने प्रेप स्टार्ट कर दिया है। और प्याज काटते काटते मुझे याद आया कि आप में से किसी ने पूछा था कि आप कौन सा ब्रांड का नाइफ सेट यूज़ करते हो, तो ये टोराटेल्स ब्रांड का है, जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। मैंने ये 6 का सेट लिया था, बहुत अच्छे नाइफ़ हैं, एक्सीलेंट वर्क करते हैं, प्रोफेशनल नाइफ़ हैं। तो आपको भी अगर नाइफ़ वर्क पसंद है, मतलब ये मुझे सब्जियां कट करना ये मेरा फेवरेट काम है,
तो मुझे अलग अलग तरीके की नाइफ्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने ये सेट लिया था। पर ऑनेस्टली बताऊँ अगर मैं, तो 6 नाइफ की ज़रूरत होती नहीं है किचन में। एक तो ये जो बिग आप मेरे हाथ में देख रहे हो शेफ़ नाइफ, ये ठीक है, ये आप अलग से परचेज़ कर सकते हो। इसके साथ में एक ब्रेड नाइफ़ जो है वो बहुत यूज़ आता है, मेरे बड़ा सा ब्रेड नाइफ़ होता है जो, साथ ही इसके साथ में 2 छोटे नाइफ़ आए थे वो भी यूज़ हो जाते हैं। बट 6 का सेट लेके इतना मनी स्पेंड करने का मुझे ज़रूरत हमारे किचन में समझ उतना आता नहीं है। आप 1, 2, 3 नाइफ़ इसका लीजिए अलग अलग, उनको परचेज़ कीजिए और उनको इन्जॉय कीजिए, क्योंकि बाकी के जो मेरे नाइफ़ हैं वो बस पड़े रहते हैं। वंस इन अ ब्लू मून मैं उनको यूज़ करती हूँ बस। तो ब्रांड बहुत अच्छा है, नाइफ्स बहुत अच्छी हैं। एक पॉइंट के बाद इनकी शार्पनेस थोड़ी चली जाती है, तो वो फिर आपको शार्पनर अपने पास रखना पड़ेगा और बहुत ईजिली घर पर ये शार्प हो जाते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है प्रोसेस वीडियो में आगे वो बता देती हूँ। एक तो मैंने प्याज चॉप करके रखे, दूसरा मैंने टमाटर, 3 टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा लहसुन अदरक ले लिया है उसमें, और उनको मैंने पीस लिया है, तो वो एक पेस्ट बना के मैंने रख लिया है। और हम ना कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं इस रेसिपी के लिए। अगर आप खुला बनाएंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा, और मैं जैसे सुबह बना रही थी ना तो मुझे जल्दी से बनाना था, इसलिए मैंने कुकर ले लिया है यहाँ पे। इसके अंदर ऑयल डाला है, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसमें, लेकिन मैंने ऑयल डाला है। और एक मेज़र टिप ये रेसिपी बनाते समय कि आप इसके अंदर ना वो वाला नॉर्मल जीरा यूज़ मत करना, आप इसके अंदर शाह जीरा यूज़ करना, वो बहुत अच्छा टेस्ट लाएगा। नॉर्मल जीरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शार्प टेस्ट ले आता है, थोड़ा स्वाद इसका बिगड़ जाता है। जीरा ऐड किया है, उसके साथ में मैंने धनिया ऐड किया, खड़ी धनिया, तेज़पत्ता ऐड किया, बड़ी इलायची ऐड किया, थोड़ा सा हींग ऐड किया है, बाकी और कुछ मैं लौंग वोंग वो सब नहीं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद सीधा मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज को थोड़ा अच्छा ब्राउन करके आपको फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें जाएगा मसाला, तो सूखे मसाले में यहाँ पे हल्दी का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, फिर इसमें जा रहा है धनिया का पाउडर, और ये जो तीसरा मसाला है ये एक्चुअल में किचन किंग मसाला है, तो कोई भी जो मिक्स मसाला आता है आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, जो कि बड़ा अच्छा फ्लेवर और स्वाद दोनों लेकर आएगा इसके अंदर, और कलर तो बेहतर हो ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने पेस्ट बनाया था जिंजर गार्लिक टमाटर का, वो मैंने ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, और बस इसको ढक दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बड़ा ही बेसिक मसाला है जो हम बहुत सारी सब्जियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही बस हमको यहाँ पर बना के तैयार करना है। मसाला यहाँ पर हो गया है, और उसके बाद फिर मैंने ये सारी फ्राइड वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दी हैं। इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम इसको बहुत फ्राई कर चुके हैं, तो बस मिक्स कीजिए, पानी डालिए, नमक डालिए और सीटी लगा दीजिए। बाकी एक और प्रोसेस है वो बाद में होगा। और हाँ, मटर डालना मत भूलना, मटर हमने फ्राई नहीं करी है, तो मटर डाल दीजिए इसके अंदर, जो फ्रोज़न वाली है वो है ये। और इसके अंदर एक चीज़ और पड़ती है, वो है कमल ककड़ी, बड़ा ही अमेजिंग फ्लेवर आता है उससे। मुझे मिक्स वेज में कमल ककड़ी बहुत पसंद है, तो अगर आपको वो मिले तो वो भी आप फ्राई करके तब इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ज़रूर डालना, आप डाल के देखना अगर आपने नहीं ट्राई किया, नहीं खाई है तो। बस पानी नमक डाल करके मैं इसमें सीटी लगा लूँगी, 2 सीटी लगाऊँगी, उसके बाद धीमी आँच पर 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएँगे, और बस बहुत जल्दी से ही हमारा मिक्स वेज बन जाता है। सारी सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो जल्दी से स्टीम हो जाती हैं। ढक्कन खोलने के बाद बाकी का जो प्रोसेस है वो हम करेंगे, बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने आँच पे फिर से इसको चढ़ा दिया, कसूरी मेथी मैंने ऐड की है इसके अंदर, साथ ही गरम मसाला ऐड कर दिया है, और पनीर के पीसेस बड़े बड़े चंक्स में मैंने काटे थे, इनको उसी कढ़ाई में मैंने फ्राई कर लिया था अलग से, और वो फ्राइड पनीर भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। पनीर बाद में इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर कुकर में आप उसकी सीटी लगा दोगे ना तो पनीर का सारा स्वाद ख़राब हो जाता है, बड़े रबड़ जैसे हो जाते हैं वो, तो उनको लास्ट में इसी स्टेज पे डालो जब आप गरम मसाला, कसूरी मेथी ये सब ऐड कर रहे हो। और इसके अंदर क्योंकि ये मलाई मिक्स वेज है तो ढेर सारी क्रीम डालनी तो बहुत ज़रूरी है, तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है, और एक बॉईल लगा लेंगे। अभी आपको देख के ऐसा लग रहा होगा थोड़ी ऐसे वाटरी जैसी लग रही है मिक्स वेज, पर ऐसा नहीं है। अभी मैं इसको जब 2 मिनट उबालूंगी ना तो इसके बाद काफ़ी थिक, काफ़ी अच्छी जो इसकी ग्रेवी है वो हो जाएगी। और हाँ, लास्ट में मैंने इसमें 2 चीज़ें ऐड की हैं, एक तो हरा धनिया और दूसरा एक आधा छोटा चम्मच के करीब आप इसके अंदर चीनी ज़रूर ऐड करें, एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस फ्लेवर के लिए। तो शुगर और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया है, और बस इसको हम सर्व कर देंगे। आप लोगों को दिखाने के लिए सर्विंग प्लेट में मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ, और इसको थोड़ा सा गार्निश कर दीजिए आप हरे धनिए से, और बस इसको आप इंजॉय करो रोटी के साथ में, तो बहुत ही अमेजिंग लगता है ये।
हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद ना मैं फिर अपने घर के कामों में लग जाती हूँ, फटाफट क्लीनिंग सफाई जो भी मेरा काम है वो करके नहा धो के फिर मुझे अपने काम पे भी बैठना होता है। वैसे आज मुझे इस दिन जिस दिन मैं शूट कर रही थी वीडियो नहीं पोस्ट करना था, तो थोड़ा सा रिलैक्स थी मैं। यहाँ पे मैंने चावल और दाल भिगोया था डोसा के लिए, तो वो मुझे पीस के फर्मेंटेशन के लिए रखना था। तो सुबह सुबह सबसे पहले अपना जो किचन का काम खाना पीना निपटाने के बाद मैंने यही किया। कई बार मैं भूल जाती हूँ, फिर ना दाल में स्मेल आ जाती है, कई बार ऐसा हो चुका है, तो डर लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा मैं किचन से निकलूँगी इसको करके ही। तो फटाफट मैंने पीस करके उसको रख दिया। और ये कुछ मेरे किचन के हाल हैं जो बिल्कुल बेहाल हैं। आपने देखा ही होगा रात को मैंने कितना अच्छे से किचन क्लीन किया, तो आपको पता है कि ये दो दिन का नहीं है, ये अभी हुआ है। तो हर किसी की ना हैबिट होती है अलग अलग काम करने की। मेरी एक ये हैबिट है कि जब मैं काम करती हूँ ना किचन में, तो मैं फैला देती हूँ पूरा। जैसे बोलते हैं ना कि आप जैसे जैसे काम करते जा रहे हो वैसे वैसे चीज़ें रखते जाओ, पता नहीं मुझसे वो नहीं होता है। मैं जब खाना बनाती हूँ तो पूरा फोकस खाना बनाने पर करती हूँ, और मेरा मोटो ये रहता है कि खाना जल्दी बन जाए बस। अगर मैं उस बीच में सफ़ाई करने लगूँगी तो खाना बनने में देर हो जाएगी, तो मैं सारा खाना वाना बना के फिर सफाई करती हूँ। और मुश्किल से आधा घंटा मुझे लगा और सारा किचन आप देख सकते हैं ना एकदम क्लीन हो गया। सिर्फ आधे घंटे की मेहनत है ये। बर्तन वर्तन भी जो थे वो लगा दिए, जो हाथ के धोने के थे थोड़े से ही थे धोने वाले, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा और पूरा किचन नीट एंड क्लीन है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और मिलती हूँ अब आपसे सीधा शाम को चाय के वक्त। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो चाय वगैरह मेरी हो गई है, और एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे ही ना बातचीत करने बैठी थी। अभी मैं अपने लैपटॉप पे ना कुछ काम कर रही थी, तो आप लोगों के कमेंट वगैरह थोड़ा मैं रीड करती रहती हूँ। आजकल रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो पढ़ती तो सारे हूँ लेकिन रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब भी टाइम मिलता है तो जो भी आँख के सामने कमेंट आते जाते हैं उनको रिप्लाई कर देती हूँ, नहीं तो हार्ट दे देती हूँ, जो कि रिएक्शन है कि हाँ मैंने पढ़ा है आप लोगों का कमेंट। तो जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था उसमें मैंने कहा था कि मैं अपने पुराने घर के व्लॉग्स, पहले पहले के 3 साल 2 साल पहले के व्लॉग्स आजकल बहुत देख रही हूँ। मतलब सिर्फ उसी दिन का नहीं था, उसके बाद से ना एक आदत सी लग गई, तो हर दिन मैं एक दो देखती रहती हूँ। और वैसे भी जो भी चीज़ आप यूट्यूब पर देखो ना, उतना ही ज़्यादा यूट्यूब उसको रिकमेंड करता है आपको बार बार। तो एक दो बार मैंने देख लिया ना, तो अब ढूंढ ढूंढ के यूट्यूब वो पुराने पुराने व्लॉग्स ला रहा है और मेरे होम पेज पर डाल देता है, तो मैं ना चाहते हुए भी उसको क्लिक करती हूँ और फिर देखने लग जाती हूँ, तो देखने लग जाती हूँ। तो कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये मैं बहुत टाइम से मतलब पढ़ते आ रही हूँ, सुनते आ रही हूँ अपने व्लॉग्स पे। दूसरे अगर मैं किसी को देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, तो उनके पे भी कमेंट रहते हैं ये सारे, कि आपका जब जैसे कि मेरे में, मैं अपनी बात करती हूँ कि जैसे मेरे में कमेंट था जब आप 1 BHK में थे तब आपके व्लॉग सिंपल थे, तब आपके व्लॉग देखने में ज़्यादा मज़ा आता था। तो इस तरीके के जो कमेंट्स होते हैं ये सब पर आते हैं। जब थोड़ा सा आप थोड़ा शिफ्ट हो, जहाँ पे आप रह रहे हो, सिर्फ घर से बात नहीं करते हैं, हर तरीके से जब आप थोड़ा सा कुछ चेंज करो, तो बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता है। बात रही सिंपलसिटी की, तो मैं जैसे पहले व्लॉग बनाती थी, जैसे बनाती थी वैसे ही मैं आज बनाती हूँ। हाँ देखिए, चेंजेस कहाँ हैं, पहला तो कि मेरी जो टेक्निक्स हैं वीडियो शूट करने की, वीडियो क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, एडिटिंग स्किल्स, वो थोड़े इम्प्रूव हुए हैं। आप पहले के अगर मेरे व्लॉग्स देखोगे, 4-5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो ना मुझे एडिटिंग अच्छे से आती थी, ना मुझे कैमरे पे बोलना अच्छे से आता था, और बहुत सारी चीज़ें थी, कैसे कैमरे पे एक्ट करना है, कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करना है, कौन सा एंगल अच्छा होता है। तो धीरे 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 वो स्किल्स आपके डेवलप होते हैं। तो लाइफ में हर एक गुजरते साल के साथ में ना आप कुछ सीखते हो, आप थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करते हो, आप थोड़ा सा अपना रहने का तरीका इम्प्रूव करते हो, बोलने का तरीका इम्प्रूव करते हो, चलने का तरीका, सब कुछ आप सीखते हो। अगर आप एकदम बेसिक लेवल पे इसको सोचो, तो हर दिन हर साल हम कुछ ना कुछ सीखते हैं अपनी सराउंडिंग से,
हम इम्प्रूव ही करते हैं, हम नीचे की तरफ कभी नहीं जाते हैं। और हर इंसान, चाहे आप मेरी बात करें, अपनी बात करें, या दुनिया में कहीं भी देखें, हर इंसान ग्रो करना चाहता है। हर इंसान जहाँ है, जिस पोजीशन में, उससे थोड़ा सा बेटर और होना चाहता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि दिखावा ज़्यादा हो गया है, दिखावा ज़्यादा हो गया है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, इसका मैं सॉलिड आपको रीज़न भी दूंगी। दिखावा तब होता है जब आप जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन को अच्छे से ना दिखा के कुछ और होने का प्रिटेंड करते हो। लाइक मैं जब 1 BHK में थी, तो मैं वहाँ प्रिटेंड करती कि अरे मैं तो मतलब ये है, बहुत बड़ी हूँ या वो हूँ, तो वो रियल नहीं होता। मैं जहाँ जिस सिचुएशन में जब थी, मैंने वैसा दिखाया। जब मैं 2 BHK में आई, वो मेरा रेंटेड घर था, जिस सिचुएशन में मैं तब आई, मैंने उसको दिखाया। मतलब जिस पॉइंट पे, जहाँ पे, जैसे मैं रह रही हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो वही तो रियलिटी है ना। अगर इंसान कोई भी लाइफ में थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है, तो वो उसकी लाइफ की रियलिटी है, और ये हर कोई चाहता है। तो क्या वो उसकी ग्रोथ रियल नहीं है? क्या उसको आप रियल नहीं मानेंगे? या वो जैसे रह रहा था, जैसे था 3 4 साल पहले, वो वैसे ही रहे तभी वो रियल होगा? ऐसा नहीं है। अब अगर प्रैक्टिकली आप सोचेंगे, तो हम कितना कुछ बदल जाते हैं हर साल। मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखती हूँ, तो मेरा काजल लगाने का तरीका बदल गया है, लाइनर लगाने का तरीका बदल गया, हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है, कपड़े पहनने का तरीका बदल गया है, थोड़ी बहुत कलर कॉम्बिनेशन की सेंस आ गई है, थोड़ी मेकअप की सेंस ज़्यादा आ गई है, थोड़ा बोलने का तरीका मैंने इम्प्रूव किया है, बहुत सारी चीज़ें। इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। चाहे इतनी की हो, चाहे आपने बहुत बड़ी कर ली हो, कुछ भी हो, ये आप अग्रसर हो रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ अच्छी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। तो अगर एक इंसान 3 साल के बाद आप उसको देखो और वो चेंज हो जाए, तो उसे आप बोलोगे कि अब रियल नहीं रह गया? ऐसा नहीं होता है। वो उस टाइम के लिए रियल था, और ये आज के लिए रियल है। अगर मैं आपको आज वही दिखाऊं जो अब मैं नहीं हूँ, तो क्या वो रियल होगा? वो नहीं होगा। रियल वो है जो अब है। और बस एक बात मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि लाइफ में कौन ऐसा इंसान है जो जिस सिचुएशन में आज है, वो उस सिचुएशन में 2 साल बाद भी रहना चाहता है? आप अगर किसी इंटरव्यू में भी जाओ, आपसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अपने आप को 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ देखते हो? तो क्या कोई जो अपर ग्रेड पे, वो बोलेगा मैं लोअर ग्रेड पे अपने आप को देखना चाहता हूँ? कभी नहीं बोलेगा ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहता है। लाइफ में जब कुछ भी आप अचीव कर रहे हो ना, शायद वो दूर से देखने वाले को लग रहा है कि इसको तो ऐसे ही मिल गया है, इसको तो मतलब कुछ मेहनत ही नहीं है इस काम में, या कुछ है नहीं। तो आप ये बात समझ जाना कि सच में आप उसके शूज़ में अपने पैर डाल के नहीं देख रहे हो, क्योंकि कुछ भी फ्री का नहीं है इस दुनिया में। आप हर चीज़ को पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी होती है, बड़ी मेहनत करनी होती है, तब वो जाके मिलती है। चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे खड़े होके। तो उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना ज़रूरी हो जाता है। आई थिंक, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, अननेसेसरी किसी को जज करना ठीक नहीं है। मेरे कैमरे की मेमोरी फुल हो गई है, कह रहा है सरिता चुप हो जाओ, ज़्यादा मत बोलो, लेकिन थोड़ा सा और बोलती हूँ मैं। मैं ये कह रही थी कि जैसे भी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो लोग यूट्यूब पर होते हैं, वो बार बार ये बात बोलते हैं कि जज नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। आई थिंक कहीं ना कहीं उनको अपने इस प्रोफेशन में इतने साल रह के ये रियलाइजेशन हो जाता है कि सच में बहुत ही ओवर जजमेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, जैसे हम किसी सिचुएशन में हैं, सामने वाले को नहीं पता, उसने कुछ वीडियो में हल्का सा देखा और भर भर के जजमेंट्स ये वो आने शुरू हो गए। तो हम जब उस पोजीशन में होते हैं ना, तो हम चारों तरफ देखते हैं और ये सोचते हैं कि जो इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं है मैं किस सिचुएशन में हूँ, इनको तो पता ही नहीं है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इनको तो पता ही नहीं है मेरे अंदर क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या खुशी है, कुछ नहीं पता, और ये लोग कितने ज़्यादा मेरे को कमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा और हम्बल हो जाते हैं और दूसरों को जज करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने बहुत बहुत क्लोजली और बहुत बार लाइफ में एक्सपीरियंस कर ली होती है। देखिए, आपका जो पड़ोसी है, जैसे आप मान लो किसी ऐसे प्रोफेशन में नहीं हो सोशल मीडिया वगैरह के, तो आपका पड़ोसी कभी भी ऐसे जजमेंट ऐसे फेंक के आपके मुंह पे नहीं मारेगा कि तुम तो ऐसी हो, अनलेस एंड अनटिल कोई लड़ाई नहीं हो जाती। वो पीठ पीछे बोल सकता है, लेकिन आपके सामने कभी नहीं बोलेगा। लेकिन जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जब आप होते हो, तो आपके मुंह पे लोग बुरा भला, अब्यूज, सब कुछ कर कर जाते हैं। तो आप बेहतर समझ पाते हो
इस चीज़ को कि जजमेंट क्या होती है और इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं नेगेटिव रूप से किसी भी इंसान पे, जब आप एक पॉइंट होते हो और आपको चारों तरफ से जज किया जा रहा होता है, तो उस चीज़ का मेंटल हरासमेंट, मेंटल टॉर्चर कैसा फील होता है, हम ये समझने लगते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जब हम ऐसी सिचुएशन में खुद होते हैं ना, तो हम थोड़ा दूसरों को जज करना कम कर देते हैं, क्योंकि ये जज करना ये तो एक, मैं कहूँगी, ह्यूमन नेचर में ही आ जाता है कि आपके हिसाब से कुछ चीज़ नहीं है तो आप उसको थोड़ा जज करने लगते हो। मैं समझ सकती हूँ, हम भी ऐसे हैं, कभी कभी हो जाता है। लेकिन अब धीरे 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 ये एक हमारे अंदर आ जाता है कि हम उतना जज नहीं करते हैं। अगर हमें पूरी सिचुएशन पता है और उसमें हमें कुछ राइट एंड रॉन्ग लगता है, तब हम उसको एक साइड हो लेते हैं, अदरवाइज बिना समझे जांचे परखे उतना ज़्यादा जजमेंट करना बंद कर दिया है। एटलीस्ट मैं अपनी पर्सनल पे बात करूँगी, अपने लेवल पे मैंने उसको कर दिया है बंद। तो इसीलिए कौन किस सिचुएशन में है वो आप, मतलब ये 15-20 मिनट आधे घंटे की वीडियो से उतना समझ नहीं आता है, तो बेटर कि उतना ज़्यादा जजमेंट ना दिया जाए। आराम से एक इंटरटेनमेंट के तौर पे वीडियोस को आप इंजॉय कीजिए, और हम भी बनाते रहेंगे वीडियोस। और बस, बहुत ज़्यादा मैंने आज बातें कर ली आपसे। सिद्धार्थ यहाँ खड़े हो गए, हाथ जोड़ रहा मेरे सामने, मम्मा मुझे नीचे जाने दो, आप जब बातें बंद करोगे तभी मैं नीचे जा पाऊंगा, इसको खेलने जाना है, कीपिंग करने जाना है, कीपिंग ग्लव्स तैयार हैं इसके। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सोचा था इसमें और कुछ अपना रूटीन वूटीन ऐड करूँगी, थोड़ा सा भाषण ऐड हो गया, सॉरी उसके लिए। किसी को पसंद आए तो देखिएगा, अदरवाइज स्किप कर देना ये पार्ट। और हम मिलते हैं आपसे, तुम्हारा शॉर्ट्स पीछे देखो, वाह सुंदर सजे हुए बेड पे ये शॉर्ट्स क्या कर रहे हैं। चलो जी, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय 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 एवरीवन।